ये है माइक्रोमैक्स इंटू भी, फ्लिपकार्ट से मंगाया है, 8499 का मिला, क्योंकि पहले सेल में नहीं लिया, बाद में लिया, नहीं तो 500 बच जाते। बॉक्स की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ तिरंगे में लिपटा मस्त वी आर इन फॉर इंडिया लिखा हुआ है और नीचे टू बी इन बाई माइक्रोमैक्स, इस तरफ इसकी प्राइस लिखी हुई है जो कि बहुत ज्यादा है, 10,500 लिखी हुई है। ये 4GB 64GB मॉडल है। यहाँ पर कुछ की फीचर्स मेंशन किया गया है, आर्म कॉर्टेक्स A75 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 6.52 इंच मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन, 13+2 मेगापिक्सल कैमरा और 5000mAh बैटरी विथ 10W चार्जर। बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोटेक्शन प्लान का एक पर्ची मिलती है जिसमें पीछे की तरफ प्लान्स और कुछ कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद फोन मिलता है और इस सेक्शन में सिम इजेक्टर टूल, डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रैच गार्ड और क्लियर टीपीयू केस भी मिलता है। स्क्रैच गार्ड कैसे लगाएं, यहाँ आई बटन में वीडियो है, जाके देख लो, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। और केस क्वालिटी काफी अच्छी है लेकिन बाद में पीली हो जाती है। इसमें 10 वॉट का इन ब्रांडिंग का चार्जर है विद टाइप सी टू यूएसबी ए केबल। फोन के रैपर को हटाते हैं, वैसे इसकी वीडियो बहुत लेट आ रही है लेकिन इसे आप रिव्यू मान सकते हो। मेरे पास ये स्मार्टफोन पहले आ गया था तो मैंने इसका कंप्लीट टेस्ट किया हुआ है तो ये वीडियो आ रही है। और इसका ये स्टिकर बहुत तेज चिपका हुआ है, वैसे डिजाइन और बिल्ड काफी अच्छा है। पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक है मैट फिनिश के साथ, वैसे इस प्राइस पर यही मिलता है। इस साइड में वॉल्यूम प्लस माइनस बटन है और ऑन ऑफ बटन है। नीचे की तरफ 3.5mm जैक, टाइप सी पोर्ट और माइक है और इस साइड में सिम ट्रे है और ऊपर की साइड में आपको कुछ नहीं मिलता है। बैक साइड में स्क्वायर हाउसिंग में डुअल कैमरा 13+2 मेगापिक्सल और LED फ्लैश और बगल में फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ इनकी ब्रांडिंग और बैक फायरिंग स्पीकर। सिम ट्रे की बात करें तो इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है जिसमें आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। केस को लगा के देखते हैं, केस जो है ये काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाती है और ऊपर की ओर थोड़ा सा निकली हो जिससे कि ये स्क्रीन डैमेज से भी इसे बचाएगी, स्क्रीन डैमेज का कोई खतरा नहीं रहेगा। फोन पूरी तरीके से सेट हो गया है, इसमें पहले गेम खेलेंगे। इसमें यूनिसॉक T610 प्रोसेसर है जो कि 12nm पर बेस्ड है। इसमें आर्म कॉर्टेक्स A77 के 2 कोर्स हैं और आर्म कॉर्टेक्स A55 के 6 कोर्स हैं। इसका CPU 1.8GHz पर क्लॉक्ड है और GPU की बात करें तो इसमें माली G52 है और ये प्रोसेसर अभी नया है लेकिन इसका अंतुतु स्कोर 175,000 के आसपास आता है तो हीलियो G70 और हीलियो G80 के बीच की परफॉर्मेंस आपको देगा जो कि इस प्राइस पॉइंट पे देना बहुत बड़ी बात है। इसमें गेमिंग करने पर कैमरे के साइड पर ऊपर की ओर थोड़ा जल्दी हीट को गेन करता है लेकिन ये धीरे धीरे हीट को माइनस कर लेता है और ऐसा सभी फोनों में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात, UI एकदम क्लीन है, स्टॉक एंड्रॉइड है विद एंड्रॉइड 11। किसी भी स्मार्टफोन का मेन पार्ट डिस्प्ले होता है तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल, मतलब ये HD+ स्क्रीन है। साइज है 6.52 इंच और इसके जो बेजल्स और चिन्ह है वो एवरेज साइज के हैं। 82.5% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसकी डिस्प्ले काफी ब्राइट है, 400 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और मैं ये वीडियो धूप में शूट कर रहा हूँ तो आप खुद देख सकते हो। ओवरऑल डिस्प्ले अपनी प्राइस पर बढ़िया दिया गया है। ये फोन 2 वेरिएंट में आता है, 4GB 64GB, 6GB 64GB, जिसमें 53 से 55GB स्टोरेज खाली होता है। बैटरी 5000mAh की बड़ी बैटरी आपको मिलती है और साथ में 10 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स आपको मिलता है विद टाइप सी पोर्ट जो कि पूरा दिन आपका आराम से निकल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी, स्पीकर्स इसमें पीछे की तरफ हैं जिससे आवाज थोड़ा दब जाती है, इसे नीचे की ओर जरूर होना चाहिए था, वैसे स्पीकर काफी लाउड है। में फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो फोन को टच करती है अनलॉक कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट है। फेस अनलॉक भी है इसमें जो अच्छा काम करता है मगर लो लाइट में काफी टाइम ले लेता है। लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। रियर में 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। कैमरा ऐप में फीचर्स बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, मतलब कोई फीचर्स की कमी नहीं है। आपको कुछ फोटोज मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें देखोगे की कलर कंसिस्टेंट नहीं है और डायनेमिक रेंज भी बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये लाइट को अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता है। सेल्फी कैमरे की भी यही हालत है, सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का होना ही चाहिए था। इन फोटोज में भी देखोगे कि बैकग्राउंड को काफी ज्यादा एक्सपोज कर दिया गया है, लाइट को मैनेज नहीं कर पाया है। यहाँ वीडियो क्वालिटी में रियर में 1080p 30fps मिलता है
और 4x मैक्सिमम जूम है। वीडियो में ये कलर्स को नेचुरल करने के लिए कलर्स को और ज्यादा डिम कर देता है। फ्रंट में वीडियो 720p 30fps मिलता है। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी वॉइस के साथ सिस्टम वॉइस को भी एक साथ रिकॉर्ड कर पाओगे। एक बात और, इसमें गूगल डायलर मिलता है लेकिन इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ फिंगर स्क्रीनशॉट है। और इस तरह पावर बटन से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंटेलिजेंट असिस्टेंट में बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं, नियर बाय शेयर, नाइट मोड, वाईफाई कॉलिंग और डार्क मोड भी मिलता है। वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और ऑल पर सेट कर लो, जिससे क्या होगा कि मैंने इस स्मार्टफोन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनाई है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दी हुई है, वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हो। और मेरी इस फोन के बारे में क्या ओपिनियन है, I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं।